सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज अश्राज, यू वॉचिंग आर सी फिल्म। तो आज की जो वीडियो है वो है एक कंपेरिजन वीडियो, सुजुकी एक्सेस 125 BS4 वर्सेज सुजुकी एक्सेस 125 BS6 में। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों बाइकों में क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस बात कर रहे हैं अपन दोनों बाइकों की बॉडीज़ के बारे में। तो बॉडी में कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, सेम बॉडीज़ हैं। आप देख सकते हो ये, इसका डिज़ाइन भी सेम है और इसकी बॉडी का भी डिज़ाइन सेम है। बॉडी में कुछ भी अलग नहीं है, जो कि सही भी है कि पुराना जो लुक था वही लोग ये अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, जो BS4 का लुक था, क्योंकि वो लुक अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। तो अब बात करेंगे दोनों बाइकों का फ्रंट से, जो इसका जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन वही पुराने यूज़ कर रहे हैं, जो BS4 रही है, जो BS4 रही है, इसकी आप सस्पेंशन देखो। और यह है BS6, इसका आप सस्पेंशन देखो। तो सस्पेंशन में भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। तो अब अपन बात करते हैं बाइकों की हेडलाइट्स के बारे में। तो जो बाइक की हेडलाइट है, आप इसका हेडलाइट देख सकते हो, ये है BS6, इसका हेडलाइट तो पूरा चेंज है, ये है LED हेडलाइट, फुल्ली LED। और अगर अपन बात करेंगे तो ये चीज़ अपन को BS4 में नहीं मिलने वाली, हेडलाइट। तो भाई ये है इसका सबसे मेजर चेंज मेरे हिसाब से। और जो सेकंड चेंज है, जो थर्ड चेंज है वो है इस बाइक का। तो भाई जो थर्ड चेंज है वो है इस बाइक का फ्यूल कैप। अब देख सकते हो ये है BS4, इसमें फ्यूल कैप नहीं है। और ये है BS6, इसमें फ्यूल कैप है। तो ये भी चेंज है फ्यूल कैप का, आप देख सकते हो फ्यूल कैप। तो गाइस दोनों बाइकों का अगर अपन टोटल फ्यूल कैपेसिटी देखें तो आपको न्यू एक्सेस BS6 में फ्यूल कैपेसिटी आपको 0.6 लीटर कम मिलता है, और आपको जो पुराना है उसमें 5.6 लीटर मिलता है, उसमें आपको पूरा 5 लीटर मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है ओल्ड मॉडल का कि उसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है। और एक और जो चेंज है तो वो है दोनों बाइकों का जो डिक्की स्टोरेज है, अंडर डिक्की स्टोरेज है, जो अंडर स्टोरेज। तो जो ओल्ड मॉडल है उसका जो डिक्की स्टोरेज है वो है 20 लीटर्स, और इसका अपग्रेड हुआ है, इसका 21.8 लीटर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि डिक्की स्पेस बढ़ा दिया है। और फ्रंट में अगर आप जाओ तो ये बेस मॉडल है, तो इसमें अभी ये नहीं है, बाकी आपको ये सेम मिलेगा, आप इसमें अलग से चार्जर लगवा सकते हो। और वहीं अगर आप इसमें जाओ तो इसमें आपको एक चार्जर मिलता है, और सेम वही पैटर्न में भी इसमें आपको मिलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं एक और सबसे बड़े चेंज की, तो वो है इस बाइक का मीटर। तो ये मीटर आपका BS4 का, ये BS4 का मीटर है, सिर्फ एनालॉग इसका डिजिटल है। बाकी आपको इसमें ट्रिप बताएगा, टोटल किलोमीटर बताएंगे, ट्रिप वन, ट्रिप टू, फ्यूल गेज का बताएगा, बाजू में आपका हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर, और इस साइड आप आओगे तो ये हाई बीम लो बीम, इधर पे इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे आपका BS4 का जो लाइट ऑफ ऑन का स्विच था वो BS4 में अलग कर दिया था, इसमें भी डायरेक्ट लाइट ऑन है। और बात करते हैं अगर अपन BS6 मॉडल की, तो BS6 मॉडल में आपको फुल्ली डिजिटल मिलेगा, इसमें आपको बहुत प्यारी LEDs मिलेंगी साइड में, वो आपकी स्पीड में डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है बाइक में, उस हिसाब से वो LEDs वर्क करती हैं। और इसमें आपको सबसे मेन चीज़, इन दो बाइक में सबसे मेन चीज़ जो इसमें पावर में आप बात करो तो इसमें आपको आपको मिलता है FI, और इसमें आपको FI नहीं मिलता, कार्बोरेटर है। मगर एक चीज़ है कि आपको इसमें थोड़ा पेट्रोल मेंटेन करके चलना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल। इसमें आपको ऐसा है कि पेट्रोल ख़त्म भी हो जाता है तो आप ये चोक लेके गाड़ी ले जा सकते हो, मगर इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये FI इंजन है, FI में चोक नहीं होता है। तो ये एक
है, मगर ये अपडेट है तो गाड़ी का पावर बढ़ गया इससे थोड़ा सा। और साथ ही साथ बात करें तो दोनों में सेम इंडिकेटर्स हैं, नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं। और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें भी है, तो ब्रेकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें आपको इसमें इसका एक मॉडल और ऊपर आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक। और जो मतलब आपको कुछ भी कैरी करना है, कुछ भी आपको कैरियरी बैग टांगना है, तो ये आपको एक इधर मिलता है और एक ये इस तरीके से निकलता है। और साइलेंसर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी हद तक दोनों बाइकों का सिमिलर है, एक सा है साइलेंसर का जो डिज़ाइन है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। बात करें बैठक की, तो बैठक में तो कुछ नहीं है, सही है, सेम ही है, आप देख सकते हो सेम है। अब बात करें इसकी, तो इसकी जो बैठक है सेम है, इतना कुछ प्रॉब्लम सेम ही है। कुछ मेजर चेंजिंग जैसे कि इन बाइकों में जो मेजर चेंज हुआ है, तो पहला मैं बता दूं आपका हेडलाइट, ये हेडलाइट उसमें फुल LED है, इसमें नहीं है। दूसरा जो चेंज है वो है इसका मीटर, इसका ये एनालॉग डिजिटल है, बस मतलब सिर्फ एनालॉग आपका रन करेगा, बस ऐसा डिजिटल है। और जो इसका एनालॉग है, इसका एनालॉग ये पूरा डिजिटल है, मतलब ऐसा नीचे डिजिटल, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा क्या कंपैरिजन है इनका, मतलब क्या नए में क्या है और पुराने में क्या है, मतलब BS4 में मॉडल में क्या है और BS6 में क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और हाँ, अगर आप अभी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।